हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। आज मैं बताने वाला हूँ क्लास टेंथ मैथ एनसीईआरटी बुक से प्रश्नवाली 1.1 का पहला क्वेश्चन। और आप मेरे चैनल पर नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो चलिए अब चलते हैं सवाल की ओर। तो दोस्तों, सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, और जिसमें कि एक का पहला क्वेश्चन हमने बता चुके हैं और ये आज बताने वाला हूँ दूसरा क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो चलिए बने रहिए मेरे साथ। जैसा कि क्वेश्चन नंबर ये है, क्वेश्चन कह रहा है 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, जैसा कि क्वेश्चन आपको हमने पहले से बना रखे हैं ताकि वीडियो लॉन्ग ना हो सके, तो देखिए दोस्तों आपको अच्छी तरह तरीका से समझा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बने रहिए। क्वेश्चन 196 और 38,220 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम देखेंगे कि 38,220 जो है 196 से 12 है। ठीक है, तो स्टेप नंबर एक में चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो और इसको बनाना जो है, इसको भाग पहले देख करके बताता हूँ, भाग द्वारा बना करके और इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप कर देंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग से। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया है कि 38,220 जो है 12 है 196 से। ठीक है, तो 196 से इसमें भाग देंगे बड़ी संख्या में, तो हमने इस तरीका से भाग यहाँ दे दिया है। ठीक है दोस्तों, आप समझ सकते हैं 196 से एक बार में भाग लगेगा तो 196 ही लगेगा, यहाँ घट कर इतना बचेगा, फिर 9 बार में लगेगा तो इतना आएगा, फिर यहाँ फिर इसमें से घटा करके फिर इतना बचेगा, और यहाँ 5 बार में देख रहे हैं दोस्तों कि शेषफल जो है 0 आ चुका है। ठीक है दोस्तों, तो मसा का रूल होता है कि शेषफल जब तक 0 ना आ जाए तब तक HCF नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ और जिस संख्या से पूरा कट जाए वही मेरा क्या होता है, मसा होता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 196 से ही पूरा कट गया है। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये सब नहीं है, ये सब रफ किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, समझ सकते हैं, तो स्टेप एक ही स्टेप में ये मसा आ चुका है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जो शेष। ठीक है दोस्तों, तो इसी पर ये जो है यहाँ भाज्य कितना है, तो भाज्य आपका ये रहा 38,220 है, और ये भाजक 196 है। भाजक किसको कहते हैं दोस्तों, तो जिससे हम भाग लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, और ये 195 जो है, 195 ये रहा ये आपका भागफल। ठीक है दोस्तों, और ये आपका भाजक है। ठीक है दोस्तों, और ये 0 जो शेष बचा है ये क्या आपका शेषफल है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो है और ये जो भागफल है और जो शेष कितना है, 0 है, जहाँ शेषफल बराबर क्या है, 0 आ गया। तो हमने पहले ही बताया है कि मसक जो होता है जब तक पूरा कट ना जाए तब तक नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अतः इसके बाद लिखेंगे, अतः 38,220 और 196 का मास 196 ही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से
पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, अब हम चलेंगे दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन पर। सॉरी, ये दूसरा क्वेश्चन रहा दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो हम पहले ही वीडियो में बना चुके हैं, तो अब ये तीसरा क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो देखिए, तीसरा क्वेश्चन है 867 और 255 का मसा ज्ञात करें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 867 12 है, किससे 255 से। तो पहला स्टेप है दोस्तों कि जैसा कि हमने बताया है ऊपर यहाँ पे कि भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष, इसी पर ये स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये रहा आपका भाज्य 867 और ये 255 जो है ये भाजक है, गुणे तीन जो है भागफल है, जो शेष जो है 10 है। ठीक है, जहाँ शेषफल क्या है, जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ सकते हैं जैसा कि दूसरा ही क्वेश्चन में बताया है कि इसको पहले भाग देकर अलग रॉफ में भाग दे देंगे और इस तरीका से स्टेप बाय स्टेप लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में जो रूल कहता है उसी रूल पर बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो वहाँ तो इसी रूल का फॉलो करना पड़ेगा। तो देखिए, पहला स्टेप इस तरीके से हो गया जिसमें कि शेषफल क्या है, शेषफल जीरो नहीं आया है दोस्तों। ठीक है, तो फिर हम एक स्टेप और बढ़ेंगे, तो एक स्टेप बढ़े तो अब जो है 255 जो है ये मेरा भाज्य हो गया। ठीक है दोस्तों, और भाजक जो है जिससे हम भाग देते हैं यानी 102 से इसमें भाग देंगे तो दो बार में कटेगा दोस्तों, तो ये भागफल है। जोर शेषफल कितना बच गया, 51। ठीक है, जहाँ ये भी जो है शेषफल जो है जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट स्टेप चलेंगे, तो थर्ड स्टेप में जो है 102 क्या है, भाजक है, सॉरी भाज्य है, बराबर 51 जो है भाजक है गुणे भागफल 2 है और शेष कितना है, जीरो है, जहाँ शेषफल क्या है, जीरो के बराबर है। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल क्या आ गया मेरा, जीरो, यानी पूरा यहाँ कट चुका है, भाग लग चुका है। तो ये जो है अंतिम किससे भाग लगा है, मतलब जीरो आया है भाग लगाने पर, तो अंतिम 51 से। तो यही दोस्तों जो है इस तरीके से लिखेंगे। अतः 867 और 225 का HCF 91 होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं सवाल, ये रहा आपका। फिर से एक बार दिखा देता हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा, ये आप लोग जानते होंगे पहले से ही, फिर भी मैं लिख दिया हूँ कि आपको सवाल समझने में सुविधा हो, क्योंकि इसी मेथड पर ये काम करता है। ठीक है, तो पहला सवाल ये है, 196 और 38,220 का HCF निकालना है। तो ये जो संख्या है ये 196 से क्या है, बड़ी है, ऐसा हमने यहाँ दर्शाएंगे। ठीक है, और पहला स्टेप जो है ये भाज्य रहा ये, और इस ये जो है बराबर 196, इस 196 से इसमें भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये इतना बार में पूरा कट गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया, जीरो आ गया। तो बगल में यहाँ लिखेंगे दोस्तों, ऐसा लिखने से अच्छा दिखता है सवाल, और क्या होता है कि कॉपी चेक करने वाले भी यहाँ आपको देखेंगे तो लगेगा कि नहीं अच्छा बच्चा है। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ शेषफल क्या है, जीरो है, पहली स्टेप में आ गया जीरो, तो अतः लिखेंगे 38,220 और 196 का मसा 196 ही होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पहला ही स्टेप में जीरो आ गया है। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल का आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर, फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। तो तीसरा क्वेश्चन 867 और 255 का HCF ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ लिखेंगे हल 867 है, 12 है, किससे 255 से। ठीक है, तो पहला स्टेप है,
फिर वही रूल फॉलो करेंगे, यहाँ भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल जोड़ शेष। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पहला स्टेप 867 में भाग दिया गया है 255 से, यानी 867 में 255 से भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये भाग दिए हैं तो तीन बार में ये कटा है। ठीक है दोस्तों, और शेष कितना बचा है, 10 बचा है, जहाँ लिखेंगे कि शेषफल बराबर शेषफल जो है 0 के बराबर नहीं है। ठीक है दोस्तों, और तब जब शेषफल जब 0 नहीं आया तो फिर से हम दूसरा स्टेप फॉलो करेंगे और 255 बराबर अब क्या है दोस्तों कि 255 में 102 से भाग करेंगे दोस्तों। ठीक है, और भाग करेंगे तो दो बार में यहाँ पे लगेगा भाग, और शेष क्या है 51 बचेगा दोस्तों। ठीक है, तो जहाँ शेषफल क्या है 0 के बराबर नहीं है, फिर शेषफल 0 नहीं आया, तो फिर से हम अगला स्टेप बढ़ेंगे और थर्ड स्टेप में जो है 102 में भाग देंगे 51 से, तो दो बार में कट जाएगा और शेष कितना आ जाएगा, 0 आ गया। ठीक है दोस्तों, जहाँ से लिखेंगे यहाँ पे साइड में कि जहाँ शेषफल बराबर 0 है। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल जब 0 आ जाता है तो मेरा मसा निकल जाता है। ठीक है, और हाँ, मसा वो संख्या होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं, यानी कि भाजक होता है, और जो अंतिम भाजक होता है वही मेरा मसा होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF 51 होगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, और नहीं समझे होंगे तो फिर से वीडियो को दोबारा देखिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, और आप नए हो इस चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन का ऑन कर लीजिए, ताकि मेरा हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप आसानी से अपना पढ़ सकें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो में कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट के थ्रू आप हमें बता सकते हैं, ताकि आप और अच्छे से समझा सकें। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका सवाल।